नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारत के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद लोगों को चिकन और अंडे खाने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात आदि राज्यों में करीब 25,000 बतखों, कौओं और अन्य पक्षियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। ऐसे में मीट कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है, लेकिन चूंकि इस वायरस का कुछ स्ट्रेन संक्रमित पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, इसलिए लोगों में इसे लेकर दहशत है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों की माने तो इस बीमारी का उन लोगों में फैलने का संभावना ज्यादा होता है जो मुर्गी पालन करते हैं या फिर संक्रमित पक्षियों के आसपास रहते हैं। अब लोगों के मन में मीट अंडे खाने को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मीट या अंडा खाना कितना सुरक्षित है, क्या यह सब खाने से बर्ड फ्लू का वायरस इंसान के शरीर में भी प्रवेश कर जाएंगे। यही सब सोचकर लोग असमंजस वाली स्थिति में हैं। लोगों का असमंजस दूर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बाबत कुछ सलाह दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मीट और अंडे खाना तब तक सेफ है जब तक आप इसे पूरी तरह साफ करके और पकाकर खा रहे हो। जब हम नॉर्मल तापमान पर मीट को पकाते हैं तो इसके वायरस मर जाते हैं। वायरस चूंकि हीट को लेकर के संवेदनशील होता है, इसलिए यह पकाने पर मर जाता है। WHO ने आगे कहा कि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि मुर्गी पालन, इसके उत्पाद और जंगली पक्षियों को पकाने से पहले सही तरीके से साफ किया जाना चाहिए और चिकन को सही ढंग से पकाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमित पक्षियों से मनुष्यों में संक्रमण तभी होता है जब इन पक्षियों को पकाने से पहले घर पर इन्हें काटा जाए। इससे बर्ड फ्लू का खतरा इंसानों में बढ़ सकता है, इसलिए इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं बर्ड फ्लू से बचने के लिए चिकन और अंडा खरीदने और खाने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। आपको बता दें कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बर्ड फ्लू को देखते हुए हम चिकन और अंडे खाने को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतें। लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि चिकन को घर पर ना काटें, पकाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें और पूरी तरह पक जाने के बाद ही उसे खाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा यह भी सलाह दी जाती है कि जिंदा मुर्गों और पोल्ट्री पक्षियों के संपर्क से बचें और ऐसे मार्केट में जाने से पहले मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। चिकन को अच्छी तरह धोकर उसे अच्छे से उबलने तक पकाएं। कच्चा चिकन धोने अथवा अंडा छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ पानी से और साबुन से धोएं। बताते चले कि देश के कुल 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि बिहार में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने राज्य में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि बर्ड फ्लू के मामले कई राज्यों में मिले हैं और इससे हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। खासकर जो लोग पक्षियों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।